व्हाट्स अप गाइस, अभी हाल ही में हमने वीडियो बनाई थी कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है हाल ही में कितनी स्ट्रांग है, क्या कुछ इक्विपमेंट्स है मिलिट्री के, तो और कितने पर्सनल है हर एक चीज। तो आज हम देखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री पावर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, शेयर स्टडी चैनल से, तो कर दे वीडियो को लाइक, जितना हो सके शेयर भी करना ना भूले। 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, अपनी आर्थिक हालत में गिरावट के बावजूद पाकिस्तान मिलिट्री साल दर साल स्ट्रांग होती जा रही है। इसकी एक खास वजह है पाकिस्तान को अमेरिका, चीन व तुर्की जैसे देशों द्वारा मिलने वाला सैन्य आर्थिक सहयोग व लेटेस्ट वेपन सप्लाईज। साथ ही दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर पावर रखने वाले देशों में से एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान को सऊदी अरब, कतर, यूएई व अन्य कई इस्लामिक देशों का भी सपोर्ट अक्सर मिलता रहता है, जिसके दम पर पाकिस्तान कई तरह की आर्थिक समस्याओं में उलझे रहने के बावजूद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाता है। एक तरफ जहां भारत की ओर से पाकिस्तान को लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हासिल करने का प्रयास कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी भारत के अग्रेशन का मुकाबला करने के लिए चीन व तुर्की के साथ मिलकर एडवांस हथियारों का निर्माण तो कर ही रहा है, साथ ही अपने पुराने सोवियत समय के व अमेरिकन हथियारों को भी तेजी से अपग्रेड करते हुए उन्हें अपनी फौज में शामिल करता जा रहा है। अब पाकिस्तान के ये पुराने स्टोरेज में पड़े हथियार अपग्रेड होने के बाद असल युद्ध में कितना धमाल मचा पाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इनके दम पर फिलहाल पाकिस्तान मिलिट्री में हथियारों की संख्या जरूर तेजी से बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मिलिट्री की ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में भी सुधार आया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में पाकिस्तान मिलिट्री कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल, पाकिस्तान आर्मी के वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल आसिम मुनीर या जनरल कमर जावेद बाजवा? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन 370 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जाती है। इस जीडीपी में से ये करीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं, साथ ही इन्हें 2 या 3 बिलियन डॉलर फॉरेन कंट्रीज से भी आतंकवाद के नाम पर लड़ने के लिए डिफेंस मदद मिल जाती है। ओवरऑल इस साल के लिए पाकिस्तान अपने डिफेंस पर 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने वाला है। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन करीबन 24 करोड़ के आसपास हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों, पाकिस्तान आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में कुल मिलाकर 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। हालांकि इतने और इससे कहीं ज्यादा रिजर्व व पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिनके पास फिलहाल 165 से लेकर 170 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना जताई जाती है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 3,700 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के पास बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें चाइना मेड VT4, चाइना पाकिस्तान मेड अल खालिद, अल जर्रार व यूक्रेन का T-80 थर्ड जनरेशन मैन बैटल टैंक्स हैं, तो वहीं चाइना के टाइप 85 जैसे सेकंड जनरेशन बैटल टैंक्स हैं, चाइना और सोवियत समय की टाइप 69 T-55 व टाइप 59 जैसे फर्स्ट जनरेशन बैटल टैंक्स की यूनिट्स भी फिलहाल पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद हैं। इसके बाद पाकिस्तान के पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। इनमें कई सारे अमेरिकन, सऊदी अरेबिया, तुर्किश, इटालियन और साउथ अफ्रीकन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स शामिल हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 1200 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं। इनके पास पाकिस्तान चाइना मेड SH-15, अमेरिकन M109, अमेरिकन M110 सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर्स शामिल हैं। और यूएस तो अपग्रेड भी कर रहा है। यानी फील्ड हविजर्स की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी के पास 3,300 से ज्यादा फील्ड हविजर्स मौजूद हैं। इसमें अमेरिकन M115, तुर्किश पेंटर, अमेरिकन M198, अमेरिकन M114 व कई तरह की पुरानी अमेरिकन, इटालियन, चाइनीज व यूके मेड टाउड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी के पास 1700 से ज्यादा सभी प्रकार की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसमें KRL फतेह, चाइना पाकिस्तान मेड A-100 की 800 से ज्यादा यूनिट्स हैं, तो वहीं पुराने सोवियत समय की KRL गजब की सैकड़ों यूनिट्स को पाकिस्तान ने अपग्रेड कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिनमें नया ट्रक और मिसाइलें भी नई कर दी गई हैं।
अटैक के साथ साथ पाकिस्तान के पास अपने डिफेंस के लिए चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें HQ-7 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है, HQ-16 शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज 40 किलोमीटर बताई जाती है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज 120 किलोमीटर से ज्यादा है। जमीनी ताकत की बात करें हवाई ताकत की, तो इस फील्ड में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या पाकिस्तान आर्मी नेवी व एयरफोर्स के पास 1450 से ज्यादा है। इनमें प्रमुख एयरक्राफ्ट में मल्टी रोल जेट्स की 350 से ज्यादा यूनिट्स हैं, डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट की 90 से ज्यादा यूनिट्स बताई जाती हैं। पाकिस्तान इस्तेमाल करता है चाइनीज J-10C मल्टी रोल जेट, चाइना पाकिस्तान मेड JF-17 थंडर मल्टी रोल जेट, अमेरिकन F-16 फाइटिंग फाल्कन जिसमें आगे अमेरिका द्वारा और भी अपग्रेड प्रोवाइड किया जा रहा है, चाइना मेड F-7PZ स्काईबोल्ट इंटरसेप्टर, वहीं पुराने फ्रेंच मिराज 3 और मिराज 5 मल्टी रोल जेट का इस्तेमाल भी पाकिस्तान करता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान के पास करीबन 130 से ज्यादा यूनिट्स अटैक हेलीकॉप्टर्स की बताई जाती हैं। इनमें पाकिस्तान अमेरिकन बेल AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, फ्रेंच यूरोकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर, रशियन MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर व साथ ही चाइनीज J-10 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मॉडर्न हथियारों में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में पाकिस्तान के पास तुर्की के अंका, बैरक्टर TB2, अकिंची जैसे दुनिया के बेहतरीन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स तो मौजूद हैं ही, साथ ही ये चाइना के भी विंग लूंग 2 रेनबो जैसे शानदार UAVs का इस्तेमाल करते हैं और अपने खुद के बराक, शफर, जासूस, पार्को जैसे और भी कई प्रकार के UAVs का इस्तेमाल एरियल सर्विलांस व कॉम्बैट आदि के मिशन में कर सकते हैं। हवाई ताकत के बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में पाकिस्तान के पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने वाले विध्वंसक शिप्स की संख्या भी पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। हालांकि अपनी मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स का इस्तेमाल डिस्ट्रॉयर के तौर पर करते हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो पाकिस्तान नेवी के पास 8 फ्रिगेट्स एक्टिव हैं, जिनमें तुगरील क्लास की चाइना मेड 2 फ्रिगेट्स इन्हें मिल चुकी हैं और 2 और जल्द मिलने वाली हैं। इनके पास फिलहाल जुल्फिकार क्लास की 4 फ्रिगेट्स हैं, तारिक क्लास की 1 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, एक अमेरिकन ओलिवर हैजार्ड पेरी क्लास की काफी पुरानी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, वहीं जिन्ना क्लास की 6 मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल एंड एयर डिफेंस फ्रिगेट्स को तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। कॉर्वेट्स की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान के पास 6 कॉर्वेट्स एक्टिव बताई जाती है, जिसमें चाइना पाकिस्तान की अजमत क्लास की 4 लाइट कॉर्वेट्स एक्टिव है, 2 यारमुक क्लास की कॉर्वेट्स एक्टिव है और 2 और इन्हें आगे मिलने वाली है, तो वहीं तुर्की द्वारा इनके लिए 4 बाबर क्लास की हैवी कॉर्वेट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 3 कॉर्वेट्स तुर्की में लॉन्च की जा चुकी हैं और जल्द ही पाकिस्तान नेवी को मिल सकती हैं। समंदर की गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान नेवी के पास 8 सबमरीन्स बताई जाती हैं। इसमें 5 फ्रेंच अगुस्ता क्लास की अटैक सबमरीन्स पाकिस्तान के पास हैं, जिन्हें पाकिस्तान हैंगर क्लास की अटैक सबमरीन से रिप्लेस करेगा, जिनकी करीबन 8 यूनिट्स का निर्माण चाइना द्वारा साल 2023 से 28 के बीच किया जा सकता है। इनके पास 3 इटालियन कॉस्मोस क्लास की मिनी सबमरीन्स भी मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रही पाकिस्तान मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर बात करी जाए ना जो फायर पावर है, इसमें सबसे पहले बात आती है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हम ये देख रहे हैं कि इनका अलायंस बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया का रशिया का काफी अच्छा अलायंस है, इनका US के साथ, तुर्की के साथ और चाइना के साथ, हाल ही में टर्की के साथ काफी अच्छा अलायंस हो गया, तो वहां पर इनको काफी फायदा मिल रहा है। और तो बाकी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में 90% सब कुछ आउट वो इनका। जैसे चाइना का तो ये है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों पे अपना दबदबा भी, एक तो कर्ज में इतना डबवा दिया है पाकिस्तान को, लेकिन कुछ भी कहो किसी चीज पे इनका बजट होना, लेकिन अपने डिफेंस को लेके थोड़ा सा ये रहते हैं, क्योंकि है ना कि इंडिया सिर्फ बजट की बात नहीं है, वैसे भी इनको हेल्प भी मिलती है। बाकी ये है, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे हिसाब से देखो, इंडिया की मिलिट्री पावर नो डाउट इनसे काफी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये सिर्फ सच बता रहा हूँ। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना बोले और लाइट भग गई है। मिलते हैं वीडियो के साथ जल्दी, बाय, टेक केयर।